एक सर्कुलर टेबल है, उसके किनारे चार कुर्सी लगा है, चार लोगों को बैठाना है उन चार कुर्सी पर। सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ रहे हैं, लीनियर परम्यूटेशन भी हम लोग पढ़े हैं। जैसे चार लोगों को अगर एक स्ट्रेट लाइन में बैठाना हो चार कुर्सी पर, ए बी सी डी, तो लीनियर परम्यूटेशन बोलते हैं। म्यूचुअली स्थान बदल बदल के कितने तरीकों से इन लोगों को बैठा सकते हैं, तो उन्होंने पढ़े थे 4 factorial आता है, n लोग होता n factorial, वो भी फॉर्मूला और अरेंजमेंट। यानी अभी अगर हम इस समय ए को यहाँ पे बैठा दें और बी सी डी को घसकने के लिए बोल दूं, ए यहाँ बी सी डी, ये डिफरेंट अरेंजमेंट है इससे। लेकिन अगर एक राउंड टेबल पे बैठाना हो तो जरा देखिए, ए बी सी डी यहाँ है, अब हम इन चारों को स्थान बदल रहे हैं, ए को हम यहाँ कर दिए, बी को यहाँ, सी को यहाँ, डी को यहाँ, क्लॉकवाइज सेंस में सभी को रोटेट कर दिए। इस अरेंजमेंट को और इस अरेंजमेंट को सेम मानना है, इसमें नहीं, देखिए इसमें हम क्लॉकवाइज सेंस में शिफ्ट कर दिए, ए को यहाँ घसका दिए और इन सब को एक एक पोजीशन लेफ्ट घसका दिए। लेकिन इसमें इस अरेंजमेंट और इस अरेंजमेंट को भिन्न मानना है, लेकिन इसमें इस अरेंजमेंट और इस अरेंजमेंट को सेम मानना है। रिलेटिव पोजीशन जब तक अलग नहीं दिखे, जैसे इस अरेंजमेंट में भी दिख रहा है ए के लेफ्ट हैंड साइड बी बैठा है और राइट हैंड साइड डी बैठा है, इसमें भी वही है, ए का मुंह इधर होगा टेबल की तरफ, उसके लेफ्ट हैंड साइड बी और राइट हैंड साइड डी। बी के लिए देखिएगा तो बी के लेफ्ट हैंड साइड सी, राइट हैंड साइड ए, इसमें भी वही है, बी के लेफ्ट साइड सी। यानी सभी को क्लॉकवाइज सेंस में एक एक स्थान घसकने के लिए बोल दिए, तो उसको नया अरेंजमेंट हम नहीं बोलेंगे जब तक रिलेटिव पोजिशनिंग नहीं बदलेगा एक दूसरे के रिलेटिव, तब तक हम मानेंगे कि अरेंजमेंट वही है, इट हैज नॉट चेंज्ड। तो सर्कुलर अरेंजमेंट और लीनियर अरेंजमेंट में डिफरेंस क्या है? अब अगर हम एक बार और क्लॉकवाइज सेंस में घसकने के लिए बोल दें, बी को यहां बोलें और सी डी ए को यहां घसकने के लिए बोलें, अब ये नया अरेंजमेंट हो गया। फिर एक बार और घसकने बोल दें, सी को यहां लिख दें और डी ए बी को यहां, यहां एक नया अरेंजमेंट हो गया। अब फिर एक बार और घसकाएंगे तो फिर वापस ये वाला आ गया, जबकि इस केस में हम इन चारों को क्लॉकवाइज दिशा में घुमा घुमा के अगर बैठाएं, इस सिचुएशन फिर इस सिचुएशन फिर इस सिचुएशन अब फिर इस सिचुएशन, तो ये चारों को एक मानना है, जबकि इसमें ये चारों को चार डिफरेंट अरेंजमेंट्स लेना है। अब अगर हम यहां पे बी को बैठा दें, यहां ए सी डी, अब ये डिफरेंट हो गया, इस हम केवल ए और बी को इंटरचेंज कर दिए, नाउ इट इज डिफरेंट। लेकिन अब इस अरेंजमेंट को हम क्लॉकवाइज घुमा घुमा के चार तरह से बनाए, तो उन चारों को एक मानना है। तो कितना तरह से हम इन सबको बैठा सकते हैं? तो बड़ा सिंपल है, अगर इन चारों को हम लीनियरली अरेंज किए होते तो इतना तरह से हम अरेंज कर पाते, जो कि अब जब हम इनको सर्कुलरली बैठा रहे हैं तो इसमें से हर चार चार है जो एक गिनना है, इसको चार से डिवाइड कर देंगे, और तब जो आंसर आएगा वो है द टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें हम सर्कुलरली उनको प्रवेश कर सकते हैं। यानी अगर n लोग को हम आपसे कहें कि प्रव्यूट कीजिए, या इमेजिन कीजिए n पीपल या n ऑब्जेक्ट्स, a1, a2, a3, डॉट डॉट डॉट, an, an माइनस वन, इन्हीं n लोगों को अगर हम लीनियरली कहें कि प्रव्यूट कीजिए n डिफरेंट स्थानों में, तो इसके लिए जवाब होगा n फैक्टोरियल, और उसके लिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n, बिकॉज फॉर एवरी वन सिंगल लीनियर अरेंजमेंट उनको क्लॉकवाइज सेंस में हम n तरह का से घुमा घुमा के बदल सकते हैं, उसको एक गिनना है इसलिए n से डिवाइड करें। जैसे 4 factorial को 4 से डिवाइड किए थे, अगर 5 लोग को बैठा रहे होते आप, तो किसी एक पर्टिकुलर तरीका से बैठाए आप, एक आदमी को यहां बैठा दिए, a1 को यहां, a5 को यहां, a3 को, a2 को, a4 को, अब इनको क्लॉकवाइज सेंस में घसका घसका के इसी अरेंजमेंट को
पांच तरीका से आप शिफ्ट कर सकते हैं, उन पांचों को एक ही गिनना है। 5 factorial divided by 5 विल बी द आंसर। तो अगर n ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट करना हो, लीनियर परम्यूटेशन मतलब कि n स्थान है, उन n ऑब्जेक्ट्स को वहां रखना है और म्यूचुअली अरेंज करने का कुल तरीका, तो आंसर n फैक्टोरियल होगा। और अगर उन्हीं n ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलरली परम्यूट करना है, सर्कुलर अरेंजमेंट या सर्कुलर परम्यूटेशन, तो आप इतना तरीका से कर सकते हैं n फैक्टोरियल बटे n, जो कि न्यूमरेटर में n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल है, डिवाइडेड बाई n, तो एक पहला वाला टर्म कट जाएगा, सिर्फ बचेगा n माइनस वन फैक्टोरियल। हाँ, यहां एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। जब चार लोगों को बैठाना था एक सर्कुलर टेबल पे, तो आप इस अरेंजमेंट को ऐसे भी समझ सकते थे कि किसी एक को पहले बैठा करके फिक्स कर देते हैं, एक स्थान पे किसी एक व्यक्ति को बैठा देते हैं, और अब बाकी तीनों को हम अदला बदली करें, तो हम कुल 3 factorial तरीका से उनके स्थानों को बदल सकते हैं, इनको यहां, उनको वहां, उनको यहां, 3 factorial तरीका से बदल सकते, तो विच इज सेम एज 4 minus 1 factorial। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अगर हम आपसे कहें कि एक नेकलेस बनाना है यूजिंग 6 different kinds of stones, कोई भी, टोपाज, डायमंड, रूबी, एमरल्ड, तो 5 different precious stones को इस्तेमाल करके हमको एक नेकलेस बनाना है, मतलब एक पीस ऑफ थ्रेड होगा और इन सब को हम उसमें घुसा देंगे थ्रेड में, ये पांचों डिफरेंट पीस ऑफ Stone 1, Stone 2, Stone 3, Stone 4, Stone 5, तो कितने तरह का नेकलेस तैयार हो सकता है, ये सर्कुलर अरेंजमेंट है। तो आप तुरंत जवाब देंगे 5 minus 1 factorial, यानी 24 तरह से हम नेकलेस को बना सकते हैं। थोड़ा गलती है इस आंसर में, गलती ये है कि इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेम है, का मतलब बताते हैं, हम यहां पे रख दिए हैं एक डायमंड, हम 3 stone को लेके दिखा रहे हैं, यहां एक एमरल्ड और यहां एक टोपाज, 3 different stones। अब अगर हम टोपाज को यहां रख दें, डायमंड को बदल दें और एमरेल्ड को एक जगह पे फिक्स कर दें, तो ये नेकलेस अभी भी वही है। आप इस नेकलेस को ऐसे पहना हुआ इमेजिन कीजिए किसी गर्दन में, किसी के नेक में, और अब इसी को हम, इसी नेकलेस को, उसको छोड़ दीजिए, इसी को अगर हम ऐसे घुमा के उसको पहना दें तो यही है, यानी ये 2 different designs नहीं माना जाएगा, यानी नेकलेस के केस में, टेबल के केस में नहीं होगा, क्योंकि टेबल को उलट के तो नहीं रखेंगे, लेकिन नेकलेस तो हम उलट के पहन सकते हैं। अगर हम किसी को ऐसा नेकलेस डिजाइन करके दे, और ऐसा एक नेकलेस डिजाइन करके दे, कहें कि देखो तुमको हम 2 different designs दे रहे हैं, तो होशियार होगा तो कहेगा कि एक ही है, इसको खाली ऐसे उलट के ऐसे रख देगा टेबल पे, और दिखा देगा कि देखिए वो भी डिजाइन सर से, यानी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट ऑफ द स्टोन्स एंड द एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट ऑफ द सेम स्टोन्स, जैसे अभी PDE एक क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में, अब TDE एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है, TDE एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में, इन दोनों को एक गिनना है, यानी कि तब नेकलेस के केस में जो नंबर ऑफ डिफरेंट नेकलेसेस दैट कैन बी फॉर्म, वो इसका भी एक आधा हो जाता है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसलिए क्योंकि क्लॉकवाइज अरेंजमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर सेम। तो हम नेकलेस के केस में पूछे कि एक नेकलेस बनाना है विद 5 different stones, तो कितना तरह का डिफरेंट डिजाइंस आप क्रिएट कर सकते हैं, जो समझना है अभी समझ लीजिए, सवाल बनाते वक्त आप सिर्फ फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी हम S1, S2, S1, S2, S4, S3, S5, अगर हम S1
S2 सेम अरेंजमेंट है, लेकिन हम अब एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, S1, S2, S4, S3 और S5। रिलेटिव पोजीशन बदल चुका है, अब S1 के राइट साइड दिख रहा है S2। अगर टेबल पे बैठा हुआ व्यक्ति इनको कंसिडर करे तो इसके राइट साइड S2 है, लेफ्ट साइड S5 है। इमेजिन कीजिए, बैठ जाइए मुंह इधर करके टेबल की तरफ, और यहाँ S1 के लेफ्ट साइड S2 है, राइट साइड S5 है, यानी सर्कुलर अरेंजमेंट में भी इसको हम लोग टू डिफरेंट मानते हैं। रिलेटिव पोजिशनिंग अगर बदल गया तो डिफरेंट मानते हैं, लेकिन नेकलेस के केस में सेम है, खाली इसको हम ऐसे ही उठा करके ऐसे रख देंगे तो ये डिजाइन बन जाए। हेंस द नंबर ऑफ डिफरेंट डिजाइन दैट कैन बी क्रिएटेड। नेकलेस के केस में एक दो से डिवाइड करना होगा, कोई पूछे क्यों, तब जवाब देंगे क्योंकि क्लॉकवाइज अरेंजमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर टू बी काउंटेड एज वन। एक सवाल बनाए इस पे हम लोग, एक टेबल के किनारे 10 कुर्सी है, 10 लोग को बैठाना है, 5 मेन एंड 5 वुमेन को बैठाना है। 4 पार्ट क्वेश्चन का है, पहला नो रिस्ट्रिक्शन, बस इनको बैठा दीजिए, तो दैट आंसर इज सिंपल। पार्ट ए का द नंबर ऑफ वेज दैट दीज 10 पीपल कैन बी सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इक्वल टू 10-1 फैक्टोरियल, यानी 9 फैक्टोरियल। ये सवाल थोड़े ही कभी पूछे गए, बी सी डी पार्ट्स को देखें, हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस दे देते। ऑल 5 विमेन मस्ट सिट टुगेदर। अब बताइए कितना तरीका से बैठा सकते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वेज। तो क्या करना चाहिए देखिए, मतलब टुगेदर का मतलब कि अगल बगल वाला कुर्सी पे टोटल 10 कुर्सी है, आप 5 विमेन को अगल बगल वाले कुर्सी पे रखना है। अब दैट डज नॉट मीन कि आप यही रखिएगा, कहीं भी रख सकते हैं। अब उन 5 को हम एक ऑब्जेक्ट मानेंगे, क्योंकि अगर उनको हम शिफ्ट करना चाहेंगे, अदला बदली करके नया नया अरेंजमेंट क्रिएट करना चाहेंगे, तो उन 5 को हमको इकट्ठा शिफ्ट करना होगा, जिसे लीनियर अरेंजमेंट अगर हम कह दे करना है। सपोज कीजिए इन्हीं 10 लोगों का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपसे हम यही कहें कि ऑल 5 विमेन मस्ट सिट टुगेदर। जब हम लोग परम्यूट करते हैं ना, तो स्थान बदल बदल के नया नया अरेंजमेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन जब वुमेन को साथ ही घसकाना है तो उन 5 वुमेन को एक सिंगल ऑब्जेक्ट हम मानेंगे, दे मस्ट बी लिफ्टेड टुगेदर एंड देन प्लेस्ड इन अ डिफरेंट पोजिशन। तो हम लोग 5 वुमेन को एक ऑब्जेक्ट मानेंगे, लेट अस ट्रीट द 5 वुमेन एंड वाज वन ऑब्जेक्ट, देन वी हैव 6 ऑब्जेक्ट्स, 5 वुमेन एज 1 प्लस 1 मैन प्लस 1 मैन, उनों को अलग अलग कर सकते हैं, देन वी हैव 6 ऑब्जेक्ट्स। अब उन 6 ऑब्जेक्ट्स को आपस में हम उठा उठा के कितना तरीका से प्लेस कर सकते हैं, यहां कोई एक आदमी रखे M1, M2, यहां W1, W2, W3, W4, W5, फिर M5, M4, M3, एक अरेंजमेंट है। W1, W2, W3, W4, W5 में आपस में इनको हम अदला बदली कर सकते हैं, W1 को यहां बैठाए, W2 को यहां, W5, W4, W3 नहीं आप उठिए, W4 यहां आ जाइए, नाउ दिस, इनको आपस में हम परम्यूट कर सकते हैं। लेकिन जब भी उठा के रखेंगे अब डिफरेंट अरेंजमेंट, तो इसको कितने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, तो द आंसर इज 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय इन फॉर एवरी अरेंजमेंट। जैसे ये एक अरेंजमेंट है, 5 वुमन को हम यहां रखे हैं, M1 को यहां, M2 को यहां, M3, M4, M5 को यहां, ये एक अरेंजमेंट है, और इन आदमी लोग को इसी पोजीशन पे छोड़ दीजिए, और इन 5 को आपस में अदला बदला करते रहिए करते रहिए करते रहिए, तो फॉर ईच पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऐसा ऐसा कुल 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स है, जिसमें आप इसको उठा करके इससे बदल दें, उसको उठा करके,
एंड फॉर एवरी वन सच अरेंजमेंट इनको म्यूचुअली अरेंज कर सकते हैं इन 5 factorial नंबर ऑफ वेज, यानी इतना तरह से आप इनको बैठा सकते हैं। अगर बिना रिस्ट्रिक्शन के होता कि जिसको मन जहां मन बैठिए, तो ये आंसर वुड हैव बीन 10 factorial। हर एक एक व्यक्ति को इनको उठा के वहां, उनको यहां, इनको यहां। सिमिलर क्वेश्चन यहां पूछे हैं, एक रिस्ट्रिक्शन दे दिए हैं कि अगर पांचों वुमन को एक साथ बैठना है अनिवार्य, अब बताइए कितना तरह से बैठा सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर तरीके से सवाल बनाएंगे, उन पांचों को एक वस्तु मान लेंगे। सो टुगेदर वी हैव 6 ऑब्जेक्ट्स। 6 ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलरली हम कितना तरीके से बैठा सकते हैं? तो द आंसर इज 6 - 1 factorial, यानी 5 factorial। एंड फॉर ईच पर्टिकुलर सिटिंग अरेंजमेंट, उन पांचों वुमन को आपस में तो हम अदला बदली कर सकते हैं इन 5 factorial नंबर ऑफ वेज। सेम क्वेश्चन है, ये 6 factorial इसलिए है क्योंकि लीनियरली पहले अरेंज कर रहे हैं, अब उसमें 6 - 1 कर रहे हैं क्योंकि उनको सर्कुलरली बैठाना है 6 ऑब्जेक्ट्स। तीसरा पार्ट, मोर टू वुमन मस्ट सिट टुगेदर। सोचे कैसे बैठाएंगे? एम 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 एम, ये जो बीच बीच में रिक्त स्थान दिख रहा है क्रॉस किया हुआ, इन्हीं पोजिशन पे आप वुमन को बैठा सकते हैं। कंडीशन के अनुसार नो टू वुमन मस्ट सिट टुगेदर, तो यही स्थान सब बचा जहां हम वुमन को बैठा सकते हैं फॉर एनी पर्टिकुलर अरेंजमेंट। एम 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 ये सब डिफरेंट एम्स है, M1, M2, M3, M4 एंड M5। पांचों मैन को हम लोग बैठा दिए और अब इन स्थानों पे हम वुमन को बैठा सकते हैं। तो पहले पांचों आदमी को कितने तरीका से हम बैठा सकते थे? सर्कुलरली अरेंज करना है, पहले बैठा दीजिए ना सब, उसके बाद बीच बीच में घुसाएंगे, जगह बना बना के क्या बना सके। अरेंजमेंट कितना तरह का अरेंजमेंट हो सकता है? द आंसर इज 4 factorial। 4 factorial तरीका से हम इन लोगों को बैठा सकते हैं। अब कोई एक तरीका कल्पना कीजिए, ये इस समय देखिए कितने तरीका से हम वुमन को अब इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, इसीलिए मल्टीप्लाई करते हैं। इतना तरीका का हम मेन का अरेंजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। एंड फॉर एवरी वन तरीका, एवरी वन अरेंजमेंट, अब वुमन को हम कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 आपस में इनको उठा उठा करके। अब वो सर्कुलर प्रोपोगेशन नहीं है, अब वो सर्कुलर नहीं है, क्योंकि आप अगर एक W1, W2, W3, W4, W5 अरेंज किए, हम W1 को घसका के यहां, W2 को यहां, W3 को यहां, मैंने हम क्लॉकवाइज घुमा दें, यहां W1 को कहें बैठिए, W2, नाउ इट इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट, W3, W4 यहां डिफरेंट है। देखिए अब W1 के राइट हैंड साइड M2 बैठा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड M3, जबकि W1 यहां जब बैठी थी तो लेफ्ट हैंड साइड M2 था, राइट हैंड साइड M2। तो इन पांचों वुमन को इन 5 स्थानों पे अदला बदली करके कितना तरह से बैठा सकते हैं? जिस 5 factorial। एक आखिरी, नॉट मोर देन 4 वुमन मस्ट सिट टुगेदर। नॉट मोर देन 4 वुमन, 4 से अधिक वुमन एक साथ नहीं बैठना चाहिए, यानी कि 5 वुमन एक साथ नहीं बैठना चाहिए, यही हम बोलना चाह रहे थे। हम खाली घुमा के बात करें, हम कहे कि ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 4 वुमन एक साथ किसी अरेंजमेंट में दिख जाए वो चलेगा, 3 वुमन कहीं एक साथ, इतना सारा जो बिना रिस्ट्रिक्शन के जो आप अरेंजमेंट किए ना 9 factorial, उसमें ऐसा बहुत सी क्वेश्चन होगा, उस बहुत बड़ा नंबर है ये, उसमें ऐसा बहुत सिचुएशंस होगा जिसमें कि 4 वुमन एक जगह कहीं बैठी होगी, बहुत सिचुएशंस होगा जिसमें 3 वुमन, बहुत हम गिनती करके बता सकते हैं ना, अभी हम गिनती किए तो थे एग्जैक्टली कि 5ों एक साथ बैठा हो, ऐसा कितना केसेस है, तो वी हैड काउंटेड, तब इसका आंसर बड़ी आसान हो गया। टोटल कितना तरह का सहन बैठा सकते थे बिना किसी कंस्ट्रेंट के,
उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम वो वाला केसेस जिसमें कि पांचों वुमन एक साथ बैठी हुई हैं। ये संख्या काफी छोटा है इस संख्या से, दिस इज ह्यूज नंबर। उसमें से जो जो केस ऐसा होगा जिसमें कि पांचों वुमन एक साथ बैठी होंगी उन केसेस को हम सब्ट्रैक्ट कर, यू विल गेट द आंसर। अनगिनत सवाल बन सकता है इसी में, जैसे हम आपसे पूछ दे कि तीन वुमन एक साथ बैठा हो लो, ऐसा कितना केसेस है। अब सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो गया है, सिलेक्ट करना है। पहले तो हमको डिसाइड करना होगा कि किस तीन वुमन को हम साथ बैठाएंगे। मान लीजिए हम डिसाइड किए कि W1, W2, W3 को साथ बैठाना है। दूसरा विकल्प भी है, W1, W2, W4। हम ऐसा नहीं कहे हैं कि W1, W2, W3 को ही बैठाना है। I didn't say that. I only said कि तीन लोग साथ बैठा हो। हम पहले एक कोई केस के लिए ऐसा ऐसा कितना केसेस होगा, तीन तीन टिकड़ी, हाउ मेनी चॉइसेस डू आई हैव, इतना, विच इज 5C2, विच इज इक्वल टू 5×4/2, विच इज 10, यानी 10 चॉइसेस है मेरे पास। W1, W2, W3 is one selection, W1, W2, W4 is another, W1, W2, W5, W2, W3, W4, W2, W3, W5, W3, W4, ये सब कुल मिलाकर के आए 10 such selections, पांच में से तीन चुनने का इतना तरीका है। एंड फॉर एवरी वन चॉइस हम एक चॉइस ले लेते हैं कि चलिए तीन पर्टिकुलर वुमन को एक साथ बैठा दिए। तो अगर तीन वुमन को आप एक साथ बैठा रहे हैं तो W1, W2, W3 अनइम्पॉर्टेंट है, कोई तीन, उनको कलेक्टिवली एक ऑब्जेक्ट मानिए W। और जो बाकी लोग बच गए, देर आर 5 लेफ्ट एंड 2 वुमन लेफ्ट, 5 M's एंड 2 W's और एक वन सिंगल W0। आपको एक्सक्लूसिवली गिनती करके बताना है वो संख्या जिसमें कि सिर्फ तीन वुमन एक साथ दिखे, चार वुमन या पांच वुमन एक साथ नहीं दिखे। तो ऐसा करते हैं कि अब हम लोग इनको कहां बैठा सकते हैं जरा देख लें। M, M2, M3, M4, M5, W0 कर लिए, और वो जो दो वुमन है उनको अब हम कहां बैठा सकते हैं, यहां नहीं बैठा सकते, यहां नहीं बैठा सकते, यहां बैठा सकते हैं, यहां बैठा सकते हैं, यहां या यहां बैठा सकते हैं, एक साथ भी नहीं बैठाना है, क्योंकि हम एक्सक्लूसिवली वो केस गिनती कर रहे हैं जिसमें कि तीन वुमन एक साथ बैठा हो और बाकी दोनों अलग अलग, वही केस। तो हम इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे। तो पहले हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन छओं को सर्कुलर अरेंजमेंट करके 5 फैक्टोरियल तरीका से बैठा देंगे, और अब इन पोजीशंस पे जिनको हम मार्क किए हैं x, उन्हीं स्थानों में हमको दो लोगों को बैठाना है। तो कितने तरीका से हम बैठा सकते हैं, तो पहले तो हम इन पांच में से कौन दो स्थान पे बैठाएंगे वो चुन लें, यहां बैठा दें और यहां बैठा दें, कि यहां और यहां, कि यहां और यहां, वो सब डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होता जाएगा। तो हम इस चार में से दो चुन लेते हैं स्थान, चलिए हम ये स्थान और ये स्थान चुने कि बैठाएंगे उन दोनों को। आप फिर इन दोनों को आपस में अदला बदली भी तो कर सकते हैं, तो इनटू 2 फैक्टोरियल कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम फाइनली इससे मल्टीप्लाई करें, एंड दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज। एक सवाल और देखते हैं। एक राउंड टेबल पे बैठना है 5 men and 3 women को बैठना है, और दो पार्ट है, नो 2 वुमेन मस्ट सिट टुगेदर, यानी सबको अलग अलग बैठना है। दूसरा पार्ट, देयर आर 2 वुमेन, पर्टिकुलर वुमेन जो दिया हुआ है, मतलब आपको नहीं चुनना है, दो वुमन है जो दे हैव प्लेस्ड अ रिक्वेस्ट कि दे हैव, दे वांट टू सिट टुगेदर, टू पर्टिकुलर वुमेन मस्ट
sit together. And the third woman must not sit beside them. उनके बगल में नहीं बैठना है. दोनों सवाल होना है. No two women must sit together. ये बनाने के लिए हम पहले पांचों मैन को हम बैठा दिए. अब ये जो प्लेसेस मार्क एक्स है, इसी में हम लोगों को उन वुमन को बैठाना है, तभी ना अलग अलग हो पाएगा. तो इन पांचों को आपस में बैठाने का तरीका जो है वो है 4 factorial ways, सर्कुलर अरेंजमेंट. बैठने के बाद फॉर एनी पर्टिकुलर अरेंजमेंट, M1 यहां, M2 यहां, M3 यहां, M4 यहां, M5 यहां, ये एक अरेंजमेंट है, ऐसा ऐसा इतना अरेंजमेंट है. तो किसी एक अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग आप देखिए कि तीन वुमन को कितना तरीका से बैठा सकते हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5 स्थान में से कोई 3 स्थान पहले चुनना होगा जहां बैठाएंगे. तो वो 5C3 यहां, यहां और यहां सोचे हैं. अब फिर उनको अदला बदली तो कर सकते हैं आपस में 3 factorial तरीके से. दिस इंटू इतना, दैट इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज सच दैट नो टू वुमेन मस्ट सिट टूगेदर इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं आंसर. पार्ट बी, दो वुमन जिनको साथ बैठना है उनको 1 ऑब्जेक्ट मान लीजिए. तो उस कंबाइंड ऑब्जेक्ट को हम डब्ल्यू नॉट कहें. तो अब 5 + 1, 6 ऑब्जेक्ट्स हो गया. पहले इनको आपस में बैठा लीजिए, जैसे मन इनको एक साथ उठा के बैठाएंगे. तो ये कितने तरीका से कर सकते हैं, 5 factorial × 2 factorial. ये सोचिए क्यों, क्योंकि इन लोगों को साथ बैठना है लिखा था ना. ये तो नहीं लिखा था कि हमको लेफ्ट या राइट. तो M1 यहां, M2 यहां, M3 यहां, M4 यहां, M5 यहां, W1 यहां, W2 यहां, या W2 यहां, W1 यहां, वो भी एक अरेंजमेंट है, म्यूचुअल अरेंजमेंट आपस में. और अब जो सिंगल वुमन है उनको कहां बैठा सकते हैं आप, यहां, यहां, या यहां, या यहां, 1, 2, 3, 4 में से कोई एक स्थान. So into 4, that's the answer for part B. आप केवल फॉलो कीजिएगा ना जिस तरह से सवाल बोलता है, टू पर्टिकुलर वुमेन मस्ट सिट टुगेदर. पिछला जो सवाल बनाया दैट वाज मोर डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें ये दो पर्टिकुलर वुमेन नहीं था. अभी भी हम अगर दो पर्टिकुलर वुमेन नहीं कहते, खाली कहते कि टू मस्ट सिट टुगेदर, तब आप इसको और गुना करना होगा कितना से, क्योंकि कौन दो वुमेन को साथ बैठाएंगे वो भी तो आप चुनेंगे, 3 में से कौन दो, तो वो कितना चॉइस आपके पास, 3C2, which is 3C1, which is 3, 3 से गुना करेंगे. क्योंकि अगर सोचे हैं आप W1, W2 को साथ बैठाएंगे और W3 को अलग, तो इतना तरह से बैठाते. अगर W1, W3 को साथ बैठाते और W2 को अलग, तो इतना तरीका से. और W2, W3 को साथ बैठाते, W1 को अलग, तो फिर इतना तरीका से. तो आप गुना करेंगे वही 3 से, मतलब 3C2 से. लेकिन पर्टिकुलर वुमन करके हम अब आपको फिक्स कर दिए कि नहीं, कोई दो है जो उन्हीं को बैठना है. सो एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर कि इस समय हम आंसर सिर्फ इतना ही क्यों देंगे. और अगर हम पर्टिकुलर शब्द नहीं बोलते तब हम इसको 3C2 से गुना क्यों करेंगे. इट शुड बी क्लियर. एक आखिरी बात, डिविजन इंटू ग्रुप्स. जैसे हम मान लीजिए कि एक सवाल पूछे कि 10 स्टूडेंट्स हैं S1, S2, S3, S10. आप इनको दो ग्रुप में बांट दीजिए. एक ग्रुप में 3 लोग होना चाहिए, 3 स्टूडेंट्स, और एक ग्रुप में 7 स्टूडेंट्स. 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दीजिए. कितना तरह से आप कर सकते हैं, जैसे हम एक ग्रुप बनाए S1, S2, S3 का, बाकी को उधर. ये एक तरीका हुआ, हम S1, S7, S9 को एक साथ रखे, बाकी को. दूसरा तरीका, हम S8, S7 और S5 एक साथ रखे, बाकी को. ऐसा कितना तरह से आप ग्रुप्स बना सकते हैं.
तो ये बहुत आसान है एक्चुअली में। आप देखिए 10 में से 3 को चुन रहे हैं, बस 10 में से 3 लोग को चुन रहे हैं, और फिर बाकी जो 7 बच गए 7 में से 7 को चुन ले रहे हैं। सो दिस इज द आंसर, ये 1 है। आप एक बार 10 में से 3 लोग चुन लिए, उसके बाद एक ही तरीका बचता है, बाकी जो 7 बचते हैं उन 7 को चुनना है दूसरे ग्रुप के लिए। 10 में से 3 लोग चुनने का जो तरीका है बस उतना तरीका होगा ग्रुप बनाने का। 10 factorial / 3 factorial / 7 factorial, that is the answer. 10 factorial divided by 3 factorial into 7 factorial. अगर हम कहे होते कि इन 10 लोगों को 3 ग्रुप में बांटिए, 2 स्टूडेंट्स प्लस 3 स्टूडेंट्स प्लस 5 स्टूडेंट्स, 3 ग्रुप में बांटिए, अब कितने तरीके से बांटिए? उसी पैटर्न पे जवाब देंगे। आप पहले कोई 2 को चुन लेते उनमें से, सिलेक्शन है ये, अरेंजमेंट का सवाल नहीं है, जस्ट सिलेक्टिंग की, तुम आ जाओ यार तुम आ जाओ, तो 2 को चुन लेते। अब बाकी बचे 8 लोगों में से आप किसी 3 लोग को चुन लेते, दूसरा ग्रुप बन गया, और बाकी बचे 5 लोगों में से 5 लोगों को चुनते, जो कि 5C5 होगा, 5 में से 5 को चुनना, बस इतना नंबर ऑफ तरीका से सेम चीज है। इसको एक्सपेंड करके देखें क्या आता है एग्जाम्पल, ये 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, या 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3, आइए तो खैर 1 है, 5C5 इज सेम एज 5C0 विच इज 1, ये कैंसिल आउट हो गया और आंसर सिर्फ बचा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। यही हमको आपको एक फॉर्मूला के रूप में याद दिलाना है, ताकि जब कभी हम ऐसा सवाल पूछे तो आप ये सब आर्ग्यूमेंट बार बार ना पेश करें, स्ट्रेट अवे आंसर। ताश का जो पैक ऑफ कार्ड्स होता है उसमें 52 कार्ड्स होता है, 52 कार्ड्स। हम चाहते हैं कि इन ताश के पत्ती को 4 लोगों में बांटा जाए, बराबर बराबर नहीं, हम बराबर बराबर नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक को 10 कार्ड दिया जाए, एक को 12, एक को 15, 37 प्लस 3 40, 15 बच गया, नहीं इसको हम 14 कर देते हैं। तो हम चाहते हैं 52 कार्ड्स को 4 ग्रुप्स में बांटा जाए, 10 कार्ड्स, 12 कार्ड्स, 14 कार्ड्स एंड 16 कार्ड्स। बताइए कितना तरह से हम लोग बांट सकते हैं। तो 52 में से पहले 10 को चुन लिए, एक जगह ऐसे डाल दिए, इतना तरह से हम चुन सकते हैं, तो कोई 10 निकाल के हम एक जगह रख सकते हैं, ऐसा ऐसा इतना चॉइसेस है मेरे पास, 52C10, इट्स अ ह्यूज नंबर। And once those 10 cards have been chosen, अब हम next group के लिए 12 card चुन सकते हैं remaining 40 में से, C12, आप ये remaining इस तरह से करते हैं। पर ये सब हमको बार बार नहीं करना है, हम straight away अगर इस pattern को देख लिए हैं तो हम आंसर दे सकते हैं 52 factorial divided by 10 factorial into 12 factorial into 14 factorial into 16 factorial, यही आंसर आएगा, वो कट जाएगा। मेरे पास 15 डिस्टिंक्ट बॉल्स हैं और इसको हमको 3 बैग्स में बांट के रखना है, 3 बक्सा में रखना है। कोई एक संख्या, एक बक्सा में 2 गेंद होना चाहिए, एक बक्सा में 4 गेंद, एक बक्सा में 9 गेंद। अगर इन बॉक्सेस का नाम हम रख दें 1, 2 एंड 3, पूछे कि कितने तरह से हम इन बॉल्स को उन बक्सों में डाल सकते हैं। अभी डालिए मत, पहले ग्रुप्स बनाइए, 2 गेंद का एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, 4 एक जगह, 9 एक जगह,
बक्सों में डालना है, यानी कि अभी जो सवाल आपसे पूछे अभी राइट नाउ, वो सिर्फ डिविजन इनटू ग्रुप्स का सवाल नहीं हुआ, आपको पहले डिवाइड करना होगा और फिर उनको बक्सों में डालना होगा, अरेंज करना होगा। क्योंकि अगर हम कोई एक चॉइस किए B1 से B15 में, एक ग्रुप बना दिए B1 B2 का, एक ग्रुप बना दिए B3 B4 B5 और B6 का, मान लीजिए एक चॉइस है और बाकी सबको एक साथ, तो तीन ग्रुप बना दिए। अब इन ग्रुप को डालना है बक्सों में, जैसे हम इस ग्रुप को ग्रुप 1 कहें, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 कहें, ऐसा ऐसा कितना ग्रुप्स बना सकते हैं ये एक ग्रुप पर। अगर हम यहाँ पे B1 B3 को रखते हैं, यहाँ B4 B5 B6 B8 को रखते हैं, बाकी को थर्ड ग्रुप में हिप्स बना लेते हैं, तो दूसरा गिनती होता। यहाँ अगर हम दो बॉल का ग्रुप बनाते हैं, B7 B9 और यहाँ कोई चार बाकी, ऐसा कुल कितना तरह से हम ग्रुप्स बना सकते हैं वो हम अभी सीखे हैं। 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, इतना तरह से हम ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर सकते हैं। अब सजाएं, अगर हम ग्रुप 1 को इसमें रखें, ग्रुप 2 को इसमें, ग्रुप 3 को इसमें, दिस इज वन अरेंजमेंट। अगर ग्रुप 1 को हम इसमें रख देते, ग्रुप 2 को इसमें, ग्रुप 3 को इसमें, सवाल पे डिपेंड करता है। अगर हम सवाल में कहते हैं दी बॉक्सेस आर डिफरेंट और कहते हैं कि दी बॉक्सेस आर आइडेंटिकल, तब इसमें डालिए चाहे इसमें डालिए चाहे इसमें डालिए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम डिफरेंट कह दें तब तो फर्क पड़ता है ना। तो आइडेंटिकल कहें कि बक्सा है तो कितने तरीका से डिवाइड कर सकते हैं, यही आंसर। तब किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना, एक ग्रुप बनाए अब किसी को किसी में डाल दिए, एक ही तरीका है आपको सजाने का। दूसरा ग्रुप बनाए किसी बक्सा में डाल दिए, एक ही तरीका है, फॉर एवरी ग्रुप वन वे, सो दैट इज द आंसर। लेकिन डिफरेंट अगर है फॉर एवरी डिविजन, अब इनको आपस में हम अदला बदली करके अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल तरीका से, तब वैसे स्थिति में इफ द बॉक्सेस आर गिवन टू बी डिफरेंट, तब द आंसर विल बी दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। आप डिविजन इंटू ग्रुप्स सीख रहे हैं, राइट। ये जो सवाल पूछे, इट वॉज अ डिविजन फॉलोड बाई अरेंजमेंट। जैसे हम ताश का पत्ती जो बोले बांटे, हम किसी व्यक्ति को नहीं दिए, हम खाली कहे कि 4 ग्रुप्स में बांट दीजिए, एक ग्रुप में 10 कार्ड होना चाहिए, 12, 14, 16। अगर हम कहते हैं कि इनको अब बांटिए 4 डिफरेंट लोगों में, तब आंसर इतना नहीं होता, तब इंटू करना पड़ता 4 फैक्टोरियल, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर ग्रुप में डिवाइड करने के बाद आप ई वाला ग्रुप इनको देते हैं, ई वाला इनको, ई वाला इनको किया। अगर 10 ऑब्जेक्ट्स को S1 से लेके S10 तक हम इनको कहें होते कि एक 2 ग्रुप में बांटिए, एक ग्रुप में 2 व्यक्ति होना चाहिए और एक ग्रुप में 8, तो आप इसका जवाब अब जानते हैं, आंसर है 10 फैक्टोरियल बटे इतना। लेकिन अगर हम ऐसा कहते कि एक ग्रुप में 5 और दूसरे ग्रुप में 5, अब आंसर क्या होगा, यानी दोनों ग्रुप का संख्या बराबर बराबर है, ऐसे स्थिति में हम इसको कहते हैं 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स। आइडेंटिकल खाली संख्या में है, आइडेंटिकल नहीं है, इसमें 5 लोग अलग हैं, इसमें 5 लोग अलग हैं, बट संख्या में आइडेंटिकल है। अब जवाब इसका 10 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल नहीं, मतलब अगर आप 10 में से 5 चुनने का तरीका भूल लिए, पहला 5 और बाकी 5 में से 5 और आप आंसर लिख दिए, या हम कहें कि इसको 3 ग्रुप में बांटिए, 2 स्टूडेंट, एक ग्रुप में 2 स्टूडेंट, एक ग्रुप में 6 स्टूडेंट, तो हम इन दोनों ग्रुप आइडेंटिकल ग्रुप्स बोल रहे हैं, जबकि आइडेंटिकल सिर्फ संख्या में आइडेंटिकल है, लोग तो भिन्न है ना। तो अब इसका आंसर 10 फैक्टोरियल बटे 2
टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल इंटू सिक्स फैक्टोरियल नहीं आता है, यही भिन्न होता ना संख्या, दो तीन पांच, तो इसका आंसर होता इतना तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं, इतना तरह का ग्रुप्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आइडेंटिकल हो गया कोई तब क्या करना होगा सो बताते हैं। एक्चुअली ग्रुप में जब बना रहे हैं दो स्थान है, आप पहले इन पांच लोगों को चुन लिए, कोई पर्टिकुलर पांच, आप बाकी पांच को यहां रखें। मान लीजिए आप S1 से लेके S5 तक, S5 तक के लोगों को यहां चुने, S से लेके S10 तक के लोगों को वहां रखें और गिनती किए कि एक तरीका हुआ ये। अगर हम इन पांचों को पहले चुने होते S6 से S10 और तब बाकी पांचों को हम यहां रखे होते तो ये दो डिफरेंट नहीं हो गया, दे आर सेम। यानी हर गिनती अब दो दो बार हो जा रहा है, ये एक तरीका है दो ग्रुप में बांटने का, ये दूसरा नहीं है, ये तो वही है, वही पांच लोग जो यहां थे अभी यहां दिख रहे हैं, जो यहां थे यहां केवल आप बांट रहे हैं कि आप पांचों इधर आ जाइए, आप पांचों इधर आ जाइए, और उसके बाद बोले कि अच्छा जैसा कि आप पांचों इधर आइए, आप पांचों इधर आइए। सो यू हैव नॉट क्रिएटेड टू डिफरेंट ग्रुप्स, यानी टू से डिवाइड करना होगा। आइडेंटिकल ग्रुप्स अगर बना रहे हैं तो ये आंसर को एक डिवाइड करना होगा, इन दोनों के म्यूचुअल अरेंजमेंट के कारण जो अननेसेसरी का दो दो गिनती हो जा रहा है उससे डिवाइड करें। जैसे इस केस में आप क्या कीजिए कि नॉर्मली जो फॉर्मूला है आपका ग्रुप्स में डिवाइड करने का उसी को इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर ग्रुप कोई दो आइडेंटिकल दिख रहा हो तो एक 1/2 उन दोनों के म्यूचुअल अरेंजमेंट के कारण जितना तरह का वेज उत्पन्न होता उतना से डिवाइड कर दीजिए। जैसे हम लीनियर में करते थे, जैसे हम अगर कहें कि पांच किताब है इनको यहां अरेंज कीजिए, पांचों किताब का नाम है B1 B2 B3 B3 B3, पांच बुक्स है, तीन आइडेंटिकल है, आप इनको अरेंज करना है इन पांच स्थानों पे, बुक शेल्फ पे ले जाके अरेंज कीजिए। तो अगर ये सब डिस्टिंक्ट होता और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो इनको हम 5 factorial तरीका से अरेंज कर सकते, लेकिन इन दोनों का जो म्यूचुअल अरेंजमेंट है जो कि 3 factorial तरीकों से किया जा सकता है उतना से हम लोग डिवाइड कर देते थे तब हमको करेक्ट आंसर आता है। अगर हम कहते कि देर आर 10 books B1 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 B2 B3 B4 B5 B6 B6, 3 identical 3, 4, 7 और 1 B7, यानी 3 identical दिख रहा है 2 identical, कुल मिलाकर के 3, 4, 7 + 3 10 है। तो इन 10 को बुक रैक पर ले जाके आपको सजाना है, कितना तरह से सजा सकते हैं। तो अगर आइडेंटिकल नहीं होता सब डिस्टिंक्ट होता तो आप 8 बंद करके 10 factorial तरीका से सजा रहे होते, बट अब उसमें कई अरेंजमेंट सेम हो गया। जैसे अभी हम इस समय इस B1 को उठा के यहां रख दें, बाकी सब जैसे तो नया अरेंजमेंट तो हुआ नहीं, इसको यहां इनको आपस में अदला बदली करते रहने से नया अरेंजमेंट नहीं क्रिएट हो रहा है, तो उसके कारण 3 factorial से डिवाइड कीजिए और इनके कारण 2 factorial से डिवाइड कीजिए, इतना तरीका से आप इनको अरेंज कर सकते हैं। उसी तरह का हम एक इंपॉर्टेंट बात यहां बता रहे हैं, ये आखिरी बात है जो पढ़ना है कि ग्रुप्स बनाने के लिए जब बोले तो उसमें अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स दिखे, आइडेंटिकल माने आइडेंटिकल इन नंबर, तो ये डिवाइड करना मत भूलिएगा। 52 कार्ड्स को डिवाइड कीजिए 4 identical ग्रुप्स में, 13, 13, 13, 13 आंसर, कितने तरीका से आप डिवाइड कर सकते हैं।
तो आप अभी फंडामेंटल अपना याद रखिए, पहले आप सबको डिस्टिंक्ट मानते हुए ग्रुप्स बना लीजिए, यही तरीका तो सीखे थे ना, उसके बाद देखिए कि हम कितना से इसको डिवाइड करेंगे। जितना आइडेंटिकल होगा ना उनके म्यूचुअल अरेंजमेंट के कारण जितना तरीका से, तो 4 factorial इतना से डिवाइड। एक एग्जांपल और देख लेते हैं ग्रुप्स पे। सपोज कीजिए कि 20 ऑब्जेक्ट्स है और उसको हमको बांटना है 5 ग्रुप्स में, 2 + 2 + 2 + 7 + 7, 5 ग्रुप्स में बांटना है। एक ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट, एक ग्रुप में 2, 1 में 2, 1 में 7, 1 में 7। तो यहां देखिए देयर आर 3 identical groups एंड 2 identical groups, आइडेंटिकल। तो कितने तरीकों से हम बांट सकते हैं, तो आप पहले ही इस बात को भूल जाइए कि आइडेंटिकल है, तब आप इसको बांटे होते तो 20 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial into 7 factorial into 7 factorial। लेकिन आइडेंटिकल ग्रुप्स के म्यूचुअल अरेंजमेंट के कारण जितना तरीका से आप कर सकते हैं उतना से डिवाइड करना होगा। तो इनके कारण 3 factorial से और इन दोनों के कारण 2 factorial से, दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो आप बना सकते हैं इन 20 ऑब्जेक्ट्स। चलिए आज के लिए समाप्त।